तो अब डियर फ्रेंड्स आप शिफ्ट हो जाइए पेज नंबर 33 पे। 33 पे अभी जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर कर लेते हैं। एज आई सेड रिटर्न्स में काफ़ी बोरिंग टॉपिक रहता है, लेकिन एज दे हैव रिवाइज वी नीड टू कवर अप। इसमें से जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भाई मेरे हिसाब से ये टॉपिक के अंदर से वो कुछ पूछ सकते हैं, दैट इज जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर, कौन जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकता है, उसके प्रैक्टिस स्कोप में क्या कवर होगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर, व्हाट कैन बी द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 48। आई वुड इंसिस्ट इफ यू कैन रिमेंबर सेक्शन 48। सेक्शन 48 प्रोवाइड्स ऑथोराइजेशन ऑफ एन एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज एन अप्रूव्ड जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑथोराइज एन अप्रूव्ड जीएसटीपी टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन हिज बिहाफ, यानी क्लाइंट के बिहाफ पे जीएसटीपी जो रहेगा वो रिटर्न फाइलिंग करेगा टू गवर्नमेंट। द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ जीएसटीपी, देयर एलिजिबिलिटी, देयर ड्यूटी, देयर ऑब्लिगेशन, देयर रिमूवल एक्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन रूल 83 एंड 84। GSTN होता क्या है? GSTN विल प्रोवाइड सेपरेट यूजर ID एंड पासवर्ड टू GSTP टू अनेबल हिम टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट आस्किंग देयर यूजर ID एंड पासवर्ड्स। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन अगर आप GSTP में लॉग इन करते हो, यानी आप समझो हमारा जनरली क्या रहता है आदत, इफ़ यू रिमेंबर, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जनरली हमारा पैटर्न कैसा होता है डियर फ्रेंड्स, कि हम हर क्लाइंट का एक एक्सेल मेंटेन करते हैं, एक मास्टर एक्सेल मेंटेन करते हैं, उनका यूजर ID और उनका पासवर्ड हम रखते हैं, देन वी डू कॉपी पेस्ट एवरी टाइम वेन वी आर फाइलिंग रिटर्न। GSTP का क्या होगा? एक GSTP का एक लॉग इन होगा, उसके अंदर क्या होगा, आपके क्लाइंट का जैसा डैशबोर्ड होगा, एक्स क्लाइंट, वाई क्लाइंट, जेड क्लाइंट, ओके, सब क्लाइंट आपको इस तरह से डैशबोर्ड में मिलते हैं, एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ए लिमिटेड। एक बार क्या होगा, आप यहाँ पे क्लाइंट को जब ऐड कर रहे हैं तब एक मेल जाता है आपके क्लाइंट को अप्रूवल के लिए कि भाई क्या आपको ये GSTP, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ये जो टैक्स कंसल्टेंट है वो परमिशन ले रहा है आपकी, और अगर क्लाइंट उसको यस करता है, अग्री करता है, तो उसका नाम, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यानी जब भी आपको किसी के भी क्लाइंट, आपके जितने भी क्लाइंट हैं सब यहाँ पे दिखेंगे, जिसका रिटर्न भरना है ऊपर क्लिक करो और रिटर्न भरो, बात खत्म। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर यूजिंग दिस GSTP। तो उनका यूजर ID पासवर्ड पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे, दे कैन डू ऑल द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर एज अलाउड अंडर GST लॉ। हर चीज़ आप कर सकते हो। टैक्स पेयर में चूज अ डिफरेंट GSTP बाय सिंपली अनसिलेक्टिंग द प्रीवियस वन एंड चूजिंग द न्यू GSTP ऑन GST पोर्टल। यानी देखिए, अल्टीमेट पावर इज विद कस्टमर ओनली। यानी मान लो यहाँ पे एज आई सेड के उसने आपको क्लाइंट को सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट किया, लेकिन आपने उसका रिटर्न टाइमली नहीं पे किया, या फिर आपने उसका उसके अकाउंट्स में गलती कर दी, या उसका टैक्स रिटर्न भरना था लेट भरा तो इंटरेस्ट आया एक्सेट्रा, मीन्स से यूर क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विथ यू, तो उसके पास वो ऑप्शन रहेगा ही कि वो आपको अनसिलेक्ट करे। वो अनसिलेक्ट जैसे ही करेगा तो आपके डैशबोर्ड पे से उसका डिटेल्स चला जाएगा, और फिर वो जो दूसरे टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिलेक्ट करेगा तो उसके GSTP में उसका डेटाबेस चला जाएगा। सो अल्टीमेटली ऑल पावर इज विथ कस्टमर ओनली। उसके बाद स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स आर देयर। अगर आपको GSTP बनना है तो उसका प्रैक्टिशनर, PCT सेंस फॉर प्रैक्टिशनर, GST PCT 1 से GST PCT 5 तक के फॉर्म हैं प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन के लिए। फिर उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सो कॉज नोटिस मिलता है अगर आप डिसक्वालिफाइड हो गए हैं तो, यू आर नॉट एन GST टैक्स प्रैक्टिशनर, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड GSTP, ऑथोराइजेशन लेटर, विड्रॉल ऑफ ऑथोराइजेशन, ये सब चीज़ GST PCT 1 से लेके PCT 5 के बीच में है। ए GSTP एनरोल्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एनरोल्ड इन अदर स्टेट ऑल्सो। यानी एक जगह पे आप एनरोल हो गए तो इट इज एनरोलमेंट फॉर एंटायर इंडिया। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GSTP? तो दे आर टेलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ GSTP हैज बीन एक्सप्लेन बाय वे ऑफ डायग्राम गिवन इन नेक्स्ट पेज।
तो नेक्स्ट पेज पे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम देखेंगे, देख भी सकते हैं पहले फिर वापस आते हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आप कौन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ओके, इंडियन सिटीजन का मतलब यू टेकन बर्थ इन इंडिया, यू हैविंग पासपोर्ट ऑफ इंडिया, सो मेनी गाइडलाइंस आर दैट, इट इज इंडियन सिटीजन। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए। नॉट एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, आप इंसॉल्वेंट एजुडिकेट नहीं हुए हैं। नॉट बीन कन्विक्टेड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने कभी आपको जेल में डाला नहीं है। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट ऑफ एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, नॉट बीन कन्विक्टेड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये आपका बेसिक है। उसके साथ और भी है प्लस सेटिस्फाइंग कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इफ़ यू आर अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट हु ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वर्कड विथ अ पोस्ट नॉट लोअर देन रैंक ऑफ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर फॉर पीरियड ग्रेटर देन 2 ईयर्स। ये पुराने ऑफिसर्स के लिए ऑप्शन ओपन है कि भाई आप पहले वैट की प्रैक्टिस करते थे, सीएसटी की प्रैक्टिस करते थे, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है तो कर सकते हो आप जीएसटी की प्रैक्टिस, और यू आर एनरोल्ड एज ए सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टीआरपी जो इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल करते हैं, आईडीटी के भी करते हैं, अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट में काम करते थे विद नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और ये इज अक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। नीचे उन्होंने प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन किया, उसमें से कुछ भी एक, आइदर ऑफ एनी ऑफ वन, सब नहीं करनी है, इसमें से कोई भी एक होनी चाहिए। अगर ये दोनों में नहीं कवर होते आप इसमें और इसमें, और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो चलेगा। क्या क्वालिफिकेशन है देख लीजिए। सबसे पहले वो लोग बोलते हैं प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएट होने चाहिए आप या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, लॉ में, बैंकिंग में, हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर टाइमिंग इन फोर्स। अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स साइंस नहीं लिखा है, इसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। सो दैट लिंक कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कहीं पे भी आपने ग्रेजुएट किया यू आर एलिजिबल। देखो बीकॉम किया है तो आप एलिजिबल हो जीएसटी प्रैक्टिस करने के लिए। डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी टू डिग्री एग्जामिनेशन मेंशन इन सब क्लॉज 1। कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी है लेकिन इंडिया की डिग्री दे रही है, कौन सी जो ऊपर आई उसके रिलेटेड, तो भी आप उसके बेस पे भी जीएसटी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एनी अदर एग्जामिनेशन जीएसटी काउंसिल वाले एग्जाम लेने वाले हैं, वो एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आपने क्लियर किया है तो भी आप जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। या कोई भी ऐसी डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी की या फॉरेन यूनिवर्सिटी की विच इज़ रिकग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया की यूनिवर्सिटी ने रिकग्नाइज की है और बीकॉम डिग्री लेवल इक्विवेलेंट डिग्री देती है तो भी वो एलिजिबल है। अगर इसमें से कोई भी महान डिग्री आपके पास नहीं है और कोई भी सिंपल सी डिग्री है तो भी वो लोग देने वाले, सबसे सिंपल वाली डिग्री उन्होंने लास्ट में रखी है जिसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि अगर आपके पास CA, CS या ICW की डिग्री होगी तो भी चलेगा। ऊपर मेन डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें से कोई डिग्री होगी तो भी चलेगा। और ये एंट्रेंस नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा है ही हैज़ पास फाइनल एग्जामिनेशन, यानी फाइनल एग्जाम पास करते हो तो आप एलिजिबल हो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, यानी CA फाइनल, CWA, CS फाइनल एलिजिबल हो, वरना ग्रेजुएट इज़ फाइन। सो 40 क्वालिफिकेशंस आर गिवन। आगे हमने एक पेज छोड़ के आए थे, दिस आर द क्वालिफिकेशंस जो हमने देखा चार्ट में। दूसरा, मान लो आप बन गए जीएसटीपी टैक्स प्रैक्टिशनर, आप बन गए, उसके बाद क्या, तो बोल रहे हैं व्हाट आर द एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, व्हाट आर द एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी। तो उन्होंने उनका भी उन्होंने चार्ट दिया है कि भाई इतनी इतनी चीज़ जीएसटीपी कर सकता है। सबसे पहले फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, यानी वो GSTR 1 भर सकता है, GSTR 2, मंथली रिटर्न भर सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, ही कैन मेक डिपॉजिट इनटू क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपके बिहाफ पे पैसे भर सकते हैं, आपके बिहाफ पे रिफंड मांग सकते हैं, आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन अमेंड कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उनको रिफंड और एप्लीकेशन में चेंज करने के लिए आपका कन्फर्मेशन चाहिए फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो चाहिए, क्योंकि अपने आपको पूछे बिना ये दो चीज़ वो लोग नहीं कर सकते। दूसरा, मान लो कोर्ट में कोई इश्यू आया, कोई प्रॉब्लम आया, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस में जाना पड़ा, तो आपके बिहाफ पे भी ये लोग जा सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो अलाउड टू अपियर एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनी ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट, अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, प्रोवाइडेड ही इज एनरोल्ड एज
जीएसटीपी अंडर रूल 83. फर्निशिंग रिटर्न थ्रू जीएसटीपी. व्हेन ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू फर्निश हिज रिटर्न थ्रू जीएसटीपी, सच रजिस्टर्ड पर्सन गिव्स हिज कंसेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. आपको कंसेंट देना पड़ता है कि भाई मेरे बिहाफ पे ये मेरा जीएसटीपी आएगा, ये मेरा बंदा आएगा. टू प्रिपेयर एंड फर्निश हिज रिटर्न बिफोर कन्फर्मिंग सबमिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट प्रिपेयर बाई जीएसटीपी, एनश्योर द फैक्ट्स मैंशन इन द रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट. दस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्निश इन रिटर्न और अदर डिटेल्स फाइल्ड बाई जीएसटी प्रैक्टिशनर शेल कंटिन्यू टू रेस्ट विद द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुज बिहाफ सच रिटर्न एंड डिटेल्स आर फर्निश. ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न भर दिया फिर कुछ गलती होगी तो आप बोले मैंने नहीं किया, ये सब जीएसटीपी की गलती है. नहीं, आपको चेक करना है. आपने नहीं चेक किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी रहेगी. द रजिस्टर पर्सन बिफोर कन्फर्मिंग शुड एंश्योर द फैक्ट्स मैंशन इन द रिटर्न आर ट्रू एंड करेक्ट बिफोर सिग्नेचर. हाउएवर फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कन्फर्मेशन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कन्फर्मेशन. आप कुछ नहीं बोलते तो उसको कन्फर्म मान लिया जाएगा. फिर ये उसके क्वालिफिकेशन थे जो हमने देखे. अदर की पॉइंट्स क्या है, वॉट आर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए एक बार. एनी रजिस्टर्ड पर्सन मे गिव कंसेंट एंड ऑथोराइज जी एस टी प्रैक्टिशनर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाई लिस्टिंग ऑथोराइज एक्टिविटी विच ही इंटेंड्स टू ऑथोराइज. रजिस्टर्ड पर्सन ऑथोराइजिंग जी एस टी पी शैल हैव टू ऑथोराइज इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा. एंड द जी एस टी प्रैक्टिशनर विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑथोराइजेशन इन पार्ट बी ऑफ सेम. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो स्टोरी मैंने पहले बोली थी. बराबर, आप वहाँ पे भेजो, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको एक्सेप्ट करना है. जीएसटी प्रैक्टिशनर शैल बी अलाउड टू अंडरटेक ओनली सच टास्क एज इंडिकेटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. रजिस्ट्रेशन में एट एनी टाइम विड्रॉ सच ऑथोराइजेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. तो ऐसे मुना बोलो आपको पूरा अनसिलेक्ट कर सकता है. ये तो काम अनसिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि चार में से आपको दो ही काम देंगे, लेकिन वो तो आपको खुद को ही रीसफल कर सकता है, आपकी जगह दूसरे जीएसटीपी को वो रह सकता है. एनी स्टेटमेंट विच इज फर्निश बाई जी एस टी प्रैक्टिशनर शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर पर्सन ऑन जी एस टी पोर्टल. फॉर एवरी स्टेटमेंट फर्निश बाई जी एस टी प्रैक्टिशनर ए कन्फर्मेशन शैल सॉट फ्रॉम रजिस्टर पर्सन ओवर ई मेल और एस एम एस. आपको ई मेल और एस एम एस आएगा जी एस टी पी जब आपके बी एफ पे काम करेगा तब, कि भाई आपका रिटर्न फाइल हो गया, आपका इतना टैक्स पे हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जी एस टी प्रैक्टिशनर शैल प्रिपेयर ऑल स्टेटमेंट्स विथ ड्यू डिलीजेंस एंड एफिक्स ऑल डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर बाई हिम और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हिज क्रेडेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हिज क्रेडेंशियल. तो ये सब चीज़ वो चेक करेंगे, जो भी ज़रूरत है वो सब चेक करेंगे. इफ जी एस टी प्रैक्टिशनर फाउंड गिल्टी, अगर आपने झूठ बोला है, आपके पास डिग्री नहीं थी सी ए की, आपने गलत डिग्री दिखाई है, आपके पास बी कॉम की डिग्री नहीं थी, आपने फेक मार्क्सशीट रखी है और ये सब पकड़े गए. इफ द जी एस टी प्रैक्टिशनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज एनरोलमेंट विल बी लायबल टू बी कैंसल्ड एंड द सो कॉस्ट नोटिस वुड बी इश्यूड टू हिम इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म. वॉट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ जी एस टी पी, द एंटायर प्रोसीजर हैज बीन एक्सप्लेन विद अ डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, अब आता है इंफॉर्मेशन रिटर्न. हु शैल फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न. सो द टेलिंग इंफॉर्मेशन रिटर्न इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ वेरीफाइंग कॉम्प्लायंस लेवल ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोक्योर फ्रॉम इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सोर्सेज. Authorities who are responsible for maintaining records of registration or statement of account or periodic returns or period or documents containing details of payment and other transactions of goods and services or transaction related to bank and consumption of electricity, purchase, sale, exchange of goods, property or right, interest in property for timing in force shall furnish information return. Yani, पूरा इंफॉर्मेशन रिटर्न गवर्नमेंट को जाएगा. सर किसके पास से जाए, हमारे पास से जाएगा? नहीं, वो थर्ड पार्टी के पास से मांगेंगे. जैसे टीडीएस, आपको पता है टीडीएस क्या होता है? टीडीएस आपका 10% काट के गवर्नमेंट के पास डेटा चला गया कि भाई मैंने 194C में ये चार्टर्ड 194J के अंदर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का इतना पैसा काटा है, तो गवर्नमेंट को रिवर्स इंफॉर्मेशन मिलती है. तो उस तरह से इंफॉर्मेशन रिटर्न की बात है. फॉर द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पीरियड विद इन सच टाइम इन सच फॉर्म एंड मैनर एज सच ऑथॉरिटी एंड एजेंसी मे बी प्रिस्क्राइब. द ऑथॉरिटीज रिक्वायर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज बाई वे ऑफ डायग्राम. एनरोलमेंट ऑफ जी एस टी पी कैसे होता है, प्रोसेस जो ऊपर आया था क्वेश्चन में कि भाई कैसे एनरोलमेंट कर सकते हो, आपको एक एप्लीकेशन देना है इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल. आपका एप्लीकेशन जाएगा, वो लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे भाई सब परफेक्ट डेटा है ना,
कि भाई ये पर्सन के पास डिग्री है, सिटीजन है, वो सब चीज़ जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए आप ठीक होंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। इन केस अगर वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट करता है तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे राइटिंग में कि क्यों हम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, कि भाई आपका मार्कशीट गलत है या फिर आप जो है वो लाइन में वो लाइन हमने अप्रूव नहीं की है। लेकिन अगर सब परफेक्ट हो गया तो वैलिड है, वैलिड हो गया तो एनरोलमेंट रिमेन्स वैलिड टिल इट इज कैंसल। फिर नो पर्सन इज एलिजिबल और एनरोल्ड एट जीएसटीपी रिमेन एनरोल अनलेस ही पासिस सच एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द पीरियड्स बाय काउंसिल। काउंसिल हर साल एग्जाम लेने वाली थी, अभी तक लिया नहीं है, लेकिन उनका ऐसा प्रोविजन है कि जीएसटी के अपडेट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो जैसे आप जीएसटीपी एक बार हो गए लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जब तक आप वो एग्जाम पास नहीं करते। आगे ऐसा लिखा है, एनी पर्सन हु हैज बीन एनरोल्ड एट जीएसटीपी बाय वर्च्यू बाय हिम एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स प्रिपेयरर अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स शैन रिमेन एनरोल्ड ओनली फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट अनलेस पास्ड एंड विद इन 18 मंथ्स ही हैज डन एग्जामिनेशन। दिस कैन बी प्रोबेबल एमसीक्यू डियर फ्रेंड, दिस इज चेंज। इनिशियली पहले यहाँ पे एक साल था, अब यहाँ पे क्या हो गया है 18 मंथ्स। सो दिस इज चेंज, यू नीड टू फोकस। फिर आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबल पर्सन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ वैट एंड एक्सेट्रा, ये सब लिस्ट है जिनको इंफॉर्मेशन रिटर्न देना है। जो बोला इंफॉर्मेशन रिटर्न कौन देगा, तो बीच में एनरोलमेंट प्रोसेस आ गया, ये लोग इंफॉर्मेशन रिटर्न देते हैं। टैक्सेबल पर्सन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट वैट एंड एक्सेट्रा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग, आपके बैंकिंग डेटा जाएंगे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को डेटा देगी, लोकल अथॉरिटी डेटा देगी, सब रजिस्टर देगी, रजिस्ट्रेशन कंपनीज देगी, आपने गाड़ी ली है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर रजिस्टरिंग अथॉरिटी देगी, कलेक्टर आपकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में से आपका डेटा जाएगा कि आपने कितना यहाँ पे शेयर्स परचेस किए, शेयर सेल किए, डिपोजिटरी ऑफिसर ऑफ RBI, GSTN, UIN होल्डर, एनी अदर स्पेसिफाइड, ये सब लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं और इनको देनी पड़ेगी। अगर GST डिपार्टमेंट मांगेगा तो इनको देनी पड़ती है इंफॉर्मेशन रिटर्न। फिर आता है डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन रिटर्न। अगर आपने डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन रिटर्न दिया है, सो वेयर द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ कंसिडर्स दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द इंफॉर्मेशन रिटर्न इज डिफेक्टिव, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, देन ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज फर्निश सच इंफॉर्मेशन। ही शैल गिव अ पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट वेन इंटीमेशन विद इन सच फर्दर पीरियड ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ द सेड अथॉरिटी में अलाउ। यानी 30 डेज में आपको गलती सुधारने का मौका मिलेगा या अनदर एक्स्ट्रा डेज दे मे गिव इफ दे वॉन्ट। हाउएवर इफ इफेक्ट इज डिफेक्ट जो है वो रेक्टिफाई नहीं हुआ, अगर जो आपका डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई नहीं हुआ विद इन 30 डेज और फर्दर पीरियड इज अलाउड, देन नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट सच इंफॉर्मेशन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज नॉट फर्निश्ड। वो रिटर्न फर्निश्ड हुआ ही नहीं ऐसा मान लेंगे फॉर दिस एक्ट, यानी फिर वो पेनल्टी इंटरेस्ट वो सब हो जाएगा ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इश्यूएंस ऑफ नोटिस फॉर द फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। When a person who is required to furnish information, when a person who is required to furnish information returned has not furnished same within time frame, the said authority may serve notice to him that you should furnish a return within period not exceeding 90 days from the date of service of notice. तो notice आती है, उसके 90 days में आपको return भरना पड़ेगा, अगर आपने नहीं भरा है तो notice आएगी। सर फिर पेनल्टी फॉर फेलियर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर आपने नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी इज क्वांटम ऑफ पेनल्टी इज ₹100 फॉर एवरी डे कंटिन्यूस और 5000 विच आर इज लोअर, दिस इज स्टैंडर्ड एट सो मेनी प्लेस। लेकिन नॉर्मल रिटर्न में ये रेट कम हो गया है 100 की जगह। फिर डियर स्पेंड यहाँ पे लेट अस रिकैप्टुलेट, ये वाले जो लाइन है वो हम लास्ट में करते हैं। यानी मैंने यहाँ पे कैसे किया है आप ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ रिटर्न्स लिए थे, उसके बाद हमने जीएसटीपी किया है, उसके बाद बाकी के रिटर्न्स करेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे
रिवीजन मोड में। इंस्टीट्यूट ने काफी बढ़िया मटेरियल बनाया है दैट विल बी कवरिंग ओवर हियर।